हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रेसिपी लेकर आई हूँ मैंगो शेक की। एक सिंपल सी मैंगो शेक बना रहे हैं हम, ज़्यादा आइसक्रीम वगैरह नहीं डाल रहे हैं। हमने उसके लिए एक खाली गिलास लिया है, एक हमने दूध का गिलास लिया है, हमने एक ब्लेंडर लिया है, आइस क्यूब्स लिए हैं, काजू लिए हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहिए ना भी डालिए, और मैंगो लिया है, मैंगो को हमने छील लिया है। अब इसका हम इसको मतलब पल्प, ये जो इसके पीसेस हैं इसे कट करके और ब्लेंडर में डालेंगे, पल्प निकालेंगे आप कह सकते हो। सो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने ये मैंगो लिया है, मैंगो को मैं काट दूंगी। मैंने ऊपर का छिलका इसका हटा दिया था, अब मैं इसका मैंगो जो मैंने छीला है इसको मैं पहले मैंने अच्छे से हैंड वॉश करे हैं, उसके बाद मैं इसको छील रही हूँ। आप चाहें तो इसमें आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, कोई और ड्राई फ्रूट, कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने इसमें ये लिया है, मैं तो इसको जस्ट सजाने के लिए लिया है, लोग तो चॉकलेट्स भी डालते हैं, बहुत ज़्यादा अपना वैरायटी मैंगो, या बाद में चूस सकते हैं। और इसके अंदर मैं डालूंगी ये दूध और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। चीनी आप ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंगो में ऑलरेडी इतनी चीनी होती है मेरे ख्याल से, तो डालने की जरूरत नहीं। जब भी हम कोई ग्लास में इसको पोर कर लिया है और ऊपर से हमने काजू डाले हैं और जैम डालकर हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं, और ये मेरी रेसिपी तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून।